एक बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है, केंद्र की नीतियों के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा ये कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, आपको बता दें विपक्ष से बातचीत की है मुख्यमंत्री, वो स्टेट जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां पर बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों की सरकार है, उन सभी दलों के मुख्यमंत्री जहां पर हैं, जहां सरकारें हैं, उन मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की है, विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है और ये कहा है कि फिलहाल जो केंद्र की नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, ये बड़ी खबर। 7 राज्य सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे अर्जी, सोनिया गांधी के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, आपको बता दें विपक्ष लगातार इस परीक्षा का विरोध कर रहा है, कोरोना काल का हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में नीट और जेईई की परीक्षा न कराई जाए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर 7 राज्य ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। और आइए अब आपको हम ये भी दिखाएंगे कि इस पूरी बैठक से पहले जो फैसला लिया गया है, इससे पहले नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर कितना घमासान रहा वो इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर आयोजित होने वाली जेईई मेन और नीट परीक्षाएं आयोजित कराने का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि कोरोना के संकट को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हर तरह की एहतियात बरती जाएगी। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी और एनईटी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। इसके लिए एजेंसी ने पुख्ता तैयारियों का दावा भी किया है। जेईई के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 की गई है, जबकि नीट परीक्षा अब 2546 केंद्रों की बजाय 3843 केंद्रों पर होगी। इसके अलावा जेईई मुख्य परीक्षा के लिए पालियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जेईई मुख्य परीक्षा में छात्रों को परीक्षा कक्ष में एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा, जबकि नीट परीक्षा में एक कमरे में छात्रों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। एग्जाम हॉल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रखे जाएंगे। सभी छात्रों को ऐसे समय में क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन अलग से जारी की जाएगी। नीट और जेईई का जो एग्जाम है उसमें जितने प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं सब लिया गया है, सेंटर बढ़ाए गए, कहीं पर किसी को भी चिंता की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे सरकार उनका पूरा ध्यान रख रही है, उनको कोई आगे खतरा न हो इससे इसका भी ध्यान रख रहे हैं। सरकार और एनटीए भले ही पुख्ता तैयारी का दावा कर रहे हो, लेकिन कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा का हवाला देते हुए परीक्षा के आयोजन का विरोध हो रहा है। छात्रों के साथ उनके माता पिता और तमाम राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही परीक्षाओं के आयोजन पर सवाल उठा चुके हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग का समर्थन कर चुके हैं। अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी परीक्षाएं टालने की मांग की है। जब हम पार्लियामेंट अगर जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब एमपीज एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों का एग्जाम लिखाएंगे? जब हमारे प्लेन में हम जाते हैं तो आप सबको कह रहे हैं कि भाई मास्क पहने रहिए, वाइजर लगाइए, नॉर्मल लाइफ तो रेस्टोर नहीं हुई ना, इसलिए कि कोविड चल रहा है। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लड़के इतने दूर दूर से गांव से शहर को आएंगे और फिर इतना स्ट्रेस में है सब लोग? तो मुझे यकीन तो नहीं है कि सरकार इसको कबूल करेगी और पोस्टपोन करेगी, मगर फिर भी मैं डिमांड कर रहा हूँ खास तौर से प्राइम मिनिस्टर से, उनकी सरकार से, कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन करें। जलवायु परिवर्तन को लेकर अभियान चलाने वाली स्वीडन निवासी ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में प्रस्तावित नीट व जेईई मेन को कोरोना संकट को देखते हुए स्थगित करने की वकालत की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में छात्रों को परीक्षाएं देने के लिए कहना अनुचित होगा।
परीक्षा नहीं होनी चाहिए 13 सितंबर को, क्योंकि 16 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, इतने ज़्यादा क्राउड को मेंटेन करना सही नहीं है, कहीं भी भविष्य से ज़्यादा हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका हरियाणा में वो रहती है और उसका अभी जो सेंटर आया वो जयपुर आया है, और ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल नहीं है, सही क्लासरूम है वहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और टीचर्स भी होंगे, तो ना तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है और क्लास के अंदर भी ट्रांसमिशन का खतरा बहुत है। तो अभी अगर वो 2 महीने और पोस्टपोन कर देते हैं तो कुछ बड़ा कोई बड़ी बात हो नहीं जाएगी। विरोध के इन सुरों के बीच अब जबकि जेईई और नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने दो टूक कह दिया है कि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि परीक्षा के विरोध के सुर अब किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।